महीने के इंतजार के बाद जब यह मौका फिर एक बार सामने आया कि वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार का बदला चुकाने का अंडर भारतीय टीम के पास एक सुनहरा मौका था, लेकिन भारतीय टीम अपनी किस्मत बदल नहीं सकी। टीम इंडिया की इस मुकाबले में शर्मनाक हार रही तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुस्से में कुछ ऐसा कहा जैसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी भारतीय टीम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 253 रन बनाई थी। शुरुआत तो खराब रही थी, शून्य के स्कोर पर बल्लेबाज लौट गया, लेकिन उसके बाद हैरी डिक्सन में 42 रन बनाए। हरजस ने भी 55 रन की पारी खेली, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही। कुलकर्णी 3 दिन के स्कोर पर आउट हुए। मुशीर खान और आदर्श के बीच छोटी सी साझेदारी जरूर हुई। टीम का स्कोर 40 रन ही पहुंचा था कि मुशीर खान बोल्ड हो गए 22 रन बनाकर। उसके बाद एक छोर से विकेट गिरते रहे। आदर्श सिंह ने एक छोर को संभाले रखा। 47 रन की पारी उन्होंने भी खेली, लेकिन 122 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। और उसके बाद भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपने घुटने टेक दिए। भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने और ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सपना फिर एक बार चकनाचूर हो गया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान को ली। उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा, फाइनल मुकाबले में अच्छी क्रिकेट भारतीय टीम की तरफ से नहीं खेली गई, जिस तरह उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेली थी। मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सपना फिर एक बार चकनाचूर हो गया, यह काफी ज्यादा कठोर है हम सभी भारतीयों के लिए। उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा भी मिला कि पिच उन्होंने अपने अनुसार बने, उन्होंने ज्यादा क्रिकेट वहाँ पर खेली है, उनके पास अनुभव था, और जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही विजेता होता है। भारतीय टीम ने खराब क्रिकेट खेली जिसके चलते उन्हें हार मिली, उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस तरह से मोदी ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है किस वजह से हारी भारतीय टीम, कमेंट सेक्शन में बताएं।